फ्रेंड्स आज का अपना टॉपिक है पोल एंड पोलर। इफ थ्रू ए पॉइंट पी, अपन डेफिनेशन को पढ़ते जाते हैं साथ साथ वर्क करते जाते हैं क्या क्या हो रहा है। डेफिनेशन क्या लिखी है मैंने, इफ थ्रू ए पॉइंट पी इन द प्लेन ऑफ द सर्कल, बोला है कि पॉइंट पी इन प्लेन ऑफ सर्कल, सपोज ये सर्कल है, ये वाला सर्कल है, तो इस सर्कल के प्लेन में कोई पॉइंट पी है तो पॉइंट पी पे यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, सर्कल के ऊपर भी हो सकता है, अपने को कोई जगह स्पेसिफाई नहीं की गई है, तो पॉइंट यहां पे भी हो सकता है आउटसाइड ऑन द सर्कल हो सकता है, इन द सर्कल हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, देयर बी ड्रॉन, सपोज मैं अंदर ले लेता हूं, फर्स्ट कंडीशन में अपन सर्कल का ले लेते हैं अंदर, ये ले लिया मैंने, मतलब पॉइंट सर्कल में पॉइंट कहां ले लेते हैं अंदर ले लेते हैं, फिर बाद में बाहर ले लेंगे, ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, पॉइंट को सर्कल के अंदर ले लिया। देयर बी ड्रॉन एनी स्ट्रेट लाइन, क्या बोल रहा है सुनना, देयर बी ड्रॉन एनी स्ट्रेट लाइन, कोई भी स्ट्रेट लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन कोई भी हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, एनी स्ट्रेट लाइन टू मीट द सर्कल इन क्यू एंड आर, मतलब यहां से स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है, ऐसे ऐसे भी जा सकती है स्ट्रेट लाइन, बस इस पॉइंट से पास होनी चाहिए, ठीक है, क्या बोला, देयर बी ड्रॉन एनी स्ट्रेट लाइन टू मीट द सर्कल, ठीक है, किससे, पॉइंट पी के थ्रू, तो ठीक है स्ट्रेट लाइन डाल दी अपन, ये दो स्ट्रेट लाइन डाल दी, और भी हो सकती है ज्यादा, पर अपन दो डाल लेते हैं इन क्यू एंड आर, और स्ट्रेट लाइन कहां तक कट कर रही है, क्यू एंड आर पे, तो अगर ये वाली स्ट्रेट लाइन लेता तो ये भी क्या होती, क्यू एंड आर, ठीक है। द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट एट क्यू एंड आर, ठीक है, अब अपने को क्या करना है, क्यू एंड आर पे क्या डालना है, टेंजेंट डालना है, और उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का क्या लेना है, लोकस, तो देखो मैंने यहां टेंजेंट डाला तो यू गई, यहां टेंजेंट डाली आर पे तो यू गई, ये दोनों कहां जाके मिली, यहां मिली, इसको पॉइंट पी मान लेते हैं, उसका एच कोमा के पॉइंट लेते हैं, उसका लोकस फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, लोकस, और सपोज ये वाला क्यू लेते हैं आप, तो इस टाइप में ये स्ट्रेट लाइन, ये सॉरी टेंजेंट जाता, और इस साइड में ये, इस साइड में ये टेंजेंट जाता, दोनों यहां कट करते और इस पॉइंट को भी एच कोमा के लेते, ऐसे और भी लाइन हो सकती है, जैसे सपोज ये वाला लाइन ऐसे बना दू, यहां पे भी ऐसे करके चला जाएगा, तो ऐसे खूब सारी अपन लाइन पास करा सकते हैं, उन पे टेंजेंट डालेंगे, उनका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा, और जब इन इंटरसेक्शन पॉइंट को इस टाइप में अपन मिलाएंगे, यू समझा, किस टाइप में मिलाएंगे, जब सारे इंटरसेक्शन पॉइंट को इस टाइप में मिलाएंगे तो एक लाइन मिलेगी अपन को, और ये लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन कहलाएगी पोलर, जो ये लाइन मिलाने से इस लाइन का लोकस क्या होगा, इन सब पॉइंट को मिलाने से पोलर, तो ये वाली लाइन क्या होगी, पोलर होगी ये वाली, ठीक है, तो पोल क्या होगा, तो ये वाला पॉइंट होगा पोल, इस लाइन के रेस्पेक्ट में ये पोल कहलाएगा, इस पोल के रेस्पेक्ट में ये लाइन पोलर कहलाएगी, ठीक है, तो ये लिखा हुआ है, देखो वापस पढ़े आप, इफ थ्रू ए पॉइंट पी इन द प्लेन ऑफ द सर्कल देयर बी ड्रॉन एनी स्ट्रेट लाइन टू मीट द सर्कल, मैंने पॉइंट अंदर लिया है, अभी अपन बाहर भी लेंगे, सर्कल के ऊपर भी लेंगे, अंदर पॉइंट है, इससे कोई भी स्ट्रेट लाइन ऐसे जा सकती है, सर्कल को कट करेगी कहां पे, क्यू एंड आर पे, ये क्यू एंड आर पे कट करा, द लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टेंजेंट्स एट क्यू एंड आर इज कॉल्ड द पोलर ऑफ द पॉइंट पी, इस पॉइंट्स पे जो अपन टेंजेंट डालेंगे उनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इन सब पॉइंट्स का लोकस क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा, तो ये लाइन मिलाने से देखो ये लाइन बनेगी, तो पोलर एक लाइन होगी, तो ये क्या हुआ, जहां से पॉइंट था उसको क्या कहेंगे, पोल कहेंगे, तो ये आप नोट डाउन करें, फिर पॉइंट को अपन सर्कल के बाहर और सर्कल के ऊपर लेके देखते हैं क्या बनता है, देखो फ्रेंड्स अपन ने पोल एंड पोलर समझा, अपन ने क्या देखा कि अपन ने देखा जब सर्कल के अंदर पॉइंट होता है, पोल अंदर सर्कल के अंदर होता है, इनसाइड होता है, तो क्या होता है, पॉइंट सर्कल के आउटसाइड होता है तो क्या होता है, देखिए सपोज ये सर्कल था, है ना, ये सर्कल था, ये वाला पॉइंट लिया अपन ने, ये वाला पॉइंट लिया, अब मैंने जैसे एक लाइन यू खींची, है ना, एक लाइन यू जा सकती, ये लाइन यू गई, ये पॉइंट क्या हुआ पी, सॉरी ये पॉइंट क्या हुआ क्यू, और ये क्या हुआ आर, तो ये भी क्या होगा क्यू, ये भी क्या होगा आर, ऐसी खूब सारी लाइन हो सकती है फ्रेंड्स, ठीक है, मैं इस लाइन से यहां पे टेंजेंट डाला मैंने जैसे डेफिनेशन बोलती थी, और यहां से टेंजेंट डाला यूं जैसे डेफिनेशन बोलती थी, ये दोनों यहां जाके ऊपर जाके कट करेंगे, सपोज यहां कट कर गए, ठीक है, फिर मैंने यहां टेंजेंट डाला, यो डाला, ये टेंजेंट डाला, यहां पे भी टेंजेंट डाला क्यू पे, यो डाला, और ये दोनों आके यहां कट करें, ये एच कोमा के था, ये भी एच कोमा के था, दोनों को मैंने जब यो मिलाया तो इनका लोकस मिलेगा, लोकस क्या मिलेगी, एक लाइन मिलेगी, तो ये लाइन क्या हो गई, ये लाइन होगी फ्रेंड्स पोलर, तो पोल क्या हो गया फ्रेंड्स, ये हो गया पोल, ठीक है, जैसी डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग ये लाइन निकली,
क्यू एंड आर पे कट करिए, उन पे टेंजेंट डाले, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट का लोकस। तो फ्रेंड्स ये आप समझ गए जब पॉइंट आउटसाइड होता। अब पॉइंट सर्कल के ऑन द सर्कल पे आ जाए, सर्कल के ऊपर पॉइंट आ जाए तो क्या होगा, ध्यान से देखना। सपोज ये मैंने सर्कल बनाया, ठीक है, ये सर्कल के ऊपर मैंने ये ऐसे पॉइंट ले लिया ऑन द सर्कल। अब मैं यहां पे जो टेंजेंट खींचूंगा, ये सर्कल को केवल एक जगह कट करेगी तो उसका टेंजेंट इस टाइप में आएगा, ठीक है, उस पर टेंजेंट डालूंगा तो इस साइड में इस टाइप में आएगा। अब सपोज ये वाला पॉइंट होता तो लाइन ऐसे भी जा सकती थी, लाइन ऐसे भी जा सकती थी, लाइन ऐसे भी जा सकती थी, खूब सारी लाइन जा सकती थी, ठीक है ना। तो ये लाइन गई सपोज, तो ये वाला पॉइंट तो क्या हो गया, ये तो परमानेंट क्यू हो गया, सॉरी क्यू पॉइंट हो गया सबका। और ये क्या हो गया, ये आर पॉइंट हो गया, ये क्यू है तो ये आर है, ये क्यू है तो ये आर है। तो ऐसे ही ये फोर लाइन से और भी ज्यादा लाइन हो सकती है। जैसे यहां पे आपने टेंजेंट डाला तो टेंजेंट कहां जाके मीट करा, यहां पे करा। जैसे सपोज इस पे आपने टेंजेंट डाला, कहां जाके मीट करा, इस लाइन पे, यहां मीट करा, है ना। ये सपोज टेंजेंट यहां डाला, कहां मीट करा, इस लाइन पे जाके मीट करा। तो ये जितने भी पॉइंट सारे उनको मिलाने पे एक लाइन मिल रही है, वो लाइन क्या है, टेंजेंट की लाइन है। तो ये क्या हो गया, ये पोलर हो गया। तो जो क्यू पे टेंजेंट है वो ही सारे पॉइंट्स का लोकस आ रहा है। देखो ये पी हो गया, ये भी पी पॉइंट बनेगा, ये भी पी, तो एच के कोमा के, तो इन सबका लोकस क्या होगा, ये पोलर होगा। अब पोलर होगा तो पोल क्या हुआ, पोल ये जो टेंजेंट वाला पॉइंट था जहां पे अपन ने टेंजेंट डाली, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी या पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, तो इन दोनों को अपन क्या बोलेंगे, ये दोनों ही पॉइंट सेम है और इनको क्या बोलेंगे, पोल। और ये क्या हो गया, पोलर, ठीक है। तो आपने ये भी समझ लिया जब पॉइंट सर्कल के ऊपर आ जाए तो पोलर क्या होगा और पोल क्या होगा। तो यहां से एक चीज निकल के सामने आई कि जब पॉइंट सर्कल के ऊपर हो, पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट ऑन द सर्कल आ जाए तो अपने पास पोलर इक्वेशन ऑफ पोलर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ कोड ऑफ कॉन्टेक्ट। मतलब आपके पास जब ये पॉइंट सर्कल के ऊपर आ जाता है तो पोलर की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन और कोड ऑफ कॉन्टेक्ट की इक्वेशन सेम हो गई और यही वो इक्वेशन होती है। यही तो कोड ऑफ कॉन्टेक्ट है, यही पोलर है, यही टेंजेंट है जब पॉइंट सर्कल के ऊपर आ जाए। तो ये तीनों कंडीशन क्लियर हो गई, तो ये पोल एंड पोलर आपका क्लियर हुआ, इसको नोट डाउन करें।